संसार सारं हो जगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजारारी, एक दंत दयावंत चार भुजारारी। माथे सिंदूर सोहे मुसकी सवारी, माथे सिंदूर सोहे मुसकी सवारी। सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सब काम सिद्ध करे कष्ट हरे देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी, सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पलक, पापा का आगमन हुआ है, 5 दिन के गणपति हैं आपके घर पे जी। आप बताइए कि क्या जब पापा घर पे आने वाले होते हैं तो क्या माहौल होता है घर का? हर साल इन 5 दिनों का इंतज़ार होता है और जैसे ही 5 दिन आ जाते हैं कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। गणपति उत्सव, गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी मेरा सबसे सर्वप्रिय त्यौहार है और जब पापा का आगमन होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई घर में मेहमान के तौर पर आए हैं। और जब ये जाते हैं 5वें दिन दिल भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि घर खाली हो गया है। लेकिन जितनी शक्ति जितनी ब्लेसिंग्स इन 5 दिन मिलती है वो काफ़ी होती है पूरे साल, यू नो, वो पॉजिटिविटी वो होप बरकरार रखने के लिए। क्या क्या 5 दिनों में आप करते हो जब पापा घर पे आगमन करते हैं? क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या फॉलो करना होता है? सुबह शाम आरती होती है 5 दिनों तक, मंत्र का उच्चारण होता है। मेरे दादाजी दादी जी भी यहाँ पर आते हैं तो दादाजी के साथ हम पूजा करते हैं। दिन भर भक्ति में ही बीतता है एंड 5 दिनों तक मैं कोई काम बाहरी काम भी नहीं लेती हूँ। सिर्फ भजन करते हैं दिन भर, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, इसी तरह बीतते हैं 5। शादी के बाद पहली गणपति है? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये गणेश चतुर्थी, बिकॉज पापा की ब्लेसिंग के रूप में ही मुझे अपने पति देव मिले हैं। और इस बार का गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा ख़ास है, बिकॉज थैंक यू जितना कहूँ पापा का उतना कम है। मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि हर साल मैं थैंक यू इकट्ठे करती रहती हूँ और जब पापा आते हैं तो मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका मिलता है। और इस बार तो जो शुक्रिया की फहरिस्त है वही ख़त्म नहीं हो रही है। थैंक यू।